अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है, हमने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्चा नहीं किया है, ये नाम जनता ने मोदी जी को दिया है, जनता ने नवाजा है। राहुल गांधी माफी मांगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर बवाल हो गया है। राहुल ने वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम की हार का जिक्र करते हुए ये बयान दिया। हाँ क्या पनौती 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 वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। कांग्रेस के YouTube चैनल पर राहुल के इस बयान वाले भाषण को इस थंबनेल के साथ पब्लिश किया गया। ऐसे में राहुल के बयान पर बीजेपी पूरी तरह भड़क गई। सुनिए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर क्या कहा। राहुल गांधी की एक टिप्पणी की मैं गंभीर हर्षता करता हूं। राहुल गांधी ने ये शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया है वो अशोभनीय है, अमर्यादित है, और मेरे पास और शब्द हैं, इससे अधिक हम बड़े शब्द नहीं बोल सकते, पीड़ादायक। राहुल गांधी जी आपको क्या हो गया है, आप हार की हताशा में इतने परेशान हैं क्या, भारत के प्रधानमंत्री पर गाली पड़ रहे हैं आप? हमारे प्रधानमंत्री किस प्रकार से जाकर के खिलाड़ियों के साथ स्नेह करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनके लिए मदद करते हैं। आज भारत की टीम एशियाड में अच्छा कर रही है, ओलंपिक में अच्छा कर रही है, पैरा ओलंपिक में अच्छा कर रही है। हमारे क्रिकेट खिलाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया, दे प्लेड वेरी वेल, ठीक है, हाजिर होती है। उसको लेकर इस शब्दों का प्रयोग उनके समर्थक पीएम के खिलाफ करें और फिर राहुल गांधी अपने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उस शब्द की बात करें। राहुल गांधी माफी मांगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि आखिर इस मामले पर इतना आक्रोश क्यों है। ये जो पनौती शब्द सुनकर कुछ लोग बड़े आक्रोशित हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनका आक्रोश कहां था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री एक दुष्प्रचार कैंपेन और मुहिम चलाती थी, जब उनके भाषणों को कतर कतर के काट काट के इधर उधर लगा के उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके उनको अजीबोगरीब नाम से नवाजा जाता था, तब आपका आक्रोश कहां था? आपका आक्रोश तब कहां था जब देश के प्रधानमंत्री मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को, सबसे प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं, तब तो आप सुई टपक सन्नाटा कर लेते हैं और अब आप उछल कूद करके आक्रोश जताएंगे। चुपचाप बैठ जाइए और समझिए कि ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है, हमने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्चा नहीं किए, ये नाम जनता ने मोदी जी को दिया है, जनता ने नवाजा है। तो अगर मीठा मीठा जो गप है तो कड़वा कड़वा थूक नहीं हो सकता। जनता की बाकी बातों को अगर आत्मसात किया है तो इस शब्द को भी आत्मसात कीजिए और सोचिए कि जनता क्यों फेंकने पर, जालसाजी पर, जुमलों पर, पनौती पर आपको याद कर रही। कांग्रेस इस मामले में जनता को भी ले आई है। उसका कहना है कि उसने पीएम मोदी को विवादित नाम नहीं दिया बल्कि जनता ने दिया है। हालांकि कांग्रेस की इस दलील पर सवाल उठ रहा है कि क्या जनता की आवाज के नाम पर अपशब्दों या निचले स्तर की भाषा को सियासत में स्वीकृति मिल जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सियासत में पूर्वाग्रह से ग्रसित रूढ़िवादी या निचले स्तर के शब्दों का इस्तेमाल हुआ हो। पिछले कुछ वक्त में ऐसा कई बार हुआ है। अक्सर ऐसे बयान देने वाले पक्ष सामने वाले पक्ष की निचले स्तर की भाषा का जिक्र करते हैं और दलील देते हैं कि हमने ऐसा कर दिया तो बवाल क्यों हो गया, और इसी तरह सियासत में लगातार भाषा का स्तर गिरने का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है।